Beats by Dallas, make it hurt. हेलो, आदाब, नमस्कार। मैं आज आप बात करने जा रहा हूँ मुंबई एक्सप्रेसवे की। ये भारत का सबसे बड़ा 1947 जब से भारत आज़ाद हुआ ये सबसे बड़ा जो है रोड का प्रोजेक्ट है, जिसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए लगेंगे और ये 1300 किलोमीटर लंबा है और ये उन एरियाज में से गुजरेगा जो कि उन्नत नहीं है, जहां पर घनी आबादी नहीं है, ग्रीन फील्ड का एरिया बहुत कम है। इससे उन एरियाज में जहां पर विकास नहीं हुआ है वहां पर भी विकास होगा। भारत का सबसे बड़ा जो रोड प्रोजेक्ट था वो नेशनल हाईवे नंबर 1 जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था 15वीं सदी में, जिसने पेशावर को कलकत्ता से जोड़ा था। शेरशाह सूरी के बाद नितिन गडकरी जी हैं जिन्होंने देश को जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू किए हैं, जिसमें से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अगर इसे हम ये कहें सोना वडोदरा एक्सप्रेसवे तो कहना उचित होगा। ये स्टार्ट होगा दिल्ली से टीएनडी फ्लाईओवर के पास से और इसका जो मेजर जंक्शन डीएनडी फ्लाईओवर रहेगा दिल्ली में और दूसरा जो जंक्शन रहेगा सोना हरियाणा में और साउथ एंड जो इसका रहेगा वो जेएनपीटी महाराष्ट्र के अंदर। ये दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से और महाराष्ट्र से, ये जो मेजर स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के, वहां से गुजरेगा। मेजर सिटीज में न्यू दिल्ली, फरीदाबाद, सोहना, अलवर, कोटा, रतलाम, वडोदरा, भरूच, सूरत और मुंबई, और रतलाम भी इसके साथ जुड़ेगा। मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो डीएनडी फ्लाईओवर से स्टार्ट रहेगा। इसका 9 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो दिल्ली में रहेगा, 129 किलोमीटर ये हरियाणा में जाएगा और लगभग 373 किलोमीटर जो है वो राजस्थान से गुजरेगा। मध्य प्रदेश ये 244 किलोमीटर, गुजरात से 426 किलोमीटर और महाराष्ट्र से ये 171 किलोमीटर गुजरेगा। टोटल जो इसकी लेंथ रहेगी लगभग 1200 किलोमीटर के करीब रहेगी, जिसमें अगर हम एक हिस्सा 59 किलोमीटर का वो अलग से रहेगा जो कि डीएनडी से केएमपी तक, जिन लोगों को दिल्ली से कनेक्ट करना है वो वाया डीएनडी से होते हुए ये केएमपी पे कनेक्ट हो जाएंगे और दूसरा जो 92 किलोमीटर का है वो विरार से जेएनपीटी तक। और टोटल जो इसकी लेंथ रहेगी वो 1350 किलोमीटर रहेगी इन दोनों हिस्सों को अगर हम मिला लें तो। ये ना केवल समय की बचत करेगा, जहां आगे 24 घंटे लगा करते मुंबई जाने के लिए वो इस टाइम को 12 घंटे पे ले आएगा। जो दोनों तरफ का ट्रैफिक है, जो दिल्ली से भी आ रहा है या मुंबई से वडोदरा से आ रहा है, ये मर्ज होगा केएमपी पे। वहां केएमपी पे जो है एक महत्वपूर्ण जो है एंट्री बनेगी यहां केएमपी के पास। अब बेसिकली जो दिल्ली से
आ रहे हैं वो भी केएमपी पे, वाया केएमपी के थ्रू, जो इवन यूपी से एंट्री होगी वाया पलवल वो केएमपी से जुड़ जाएंगे, और जिनको गाजियाबाद से जाना है वो भी वाया केएमपी से जो है वो जुड़ जाएंगे मुंबई एक्सप्रेसवे पे, और जिन्होंने हरियाणा से आना है वो डायरेक्ट केएमपी पे मिल जाएंगे, और जिन्होंने सोनीपत से आना है तो वो भी इसी के रास्ते मिल सकते हैं, जो सोनीपत में पंजाब से जिन्होंने आना है मुंबई जाना है। तो ये जो दिल्ली की एंट्री है जो बड़े व्हीकल्स हैं इसको बिल्कुल ही खत्म कर देगा। ये टोटल 8 लेन का प्रोजेक्ट अभी बन रहा है और इसमें अभी 12 लेन का प्रोविजन भी रखा है, और फर्दर अगर ट्रैफिक बढ़ता है तो इसको 12 लेन भी किया जा सकता है, और इसमें जो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग पॉइंट्स है उसका भी प्रोविजन रखा है, और ऐसे ट्रक जो हैं वो भी इलेक्ट्रिक ट्रक या बसेस ट्रांसपोर्ट के लिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वो दौड़ेंगे इस पर, जिसकी जो मैक्सिमम रफ्तार रहेगी वो 120 किलोमीटर पर आवर रहेगी। ये प्रोजेक्ट जो है वो 52 पैकेजेस में बनाया गया है, और इसमें 20 कॉन्ट्रैक्टर हैं जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर 20 को इसमें ठेका मिला हुआ है, और इसमें लगभग 15,000 हेक्टेयर जो लैंड है वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है, और इसका जो लास्ट डेट है मार्च 2023 को है, मतलब 15 अगस्त 2023 को जब प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराएंगे तो हो सकता है उससे पहले इसका उद्घाटन मोदी जी कर दें। ये संसार का मुझे लगता है पहला एक्सप्रेसवे है जहां जंगली जानवरों को अभी ख्याल रखा गया है। यहां पे उनके लिए जो है अंडरपासेस बनाए गए हैं, जिससे क्योंकि जो जंगल का इलाका आता है जिसमें रणथंभौर जो है वाइल्ड एनिमल सेंचुरी आती है, बहुत बड़ा इलाका है, इसके अंदर जो जानवर हैं उनको पास है, उनको दिक्कत ना हो, वो नीचे से पास कर रहे हैं, और इसमें इसको केव्स टनल के थ्रू जो है इन एरियाज में ये पास होगा, जिससे जंगली जानवर जो हैं वो आक्रमण ना कर सकें, किसी तरीके से बाधा ना पहुंचा सकें, इसका प्रोविजन भी सरकार ने रखा है। और हाँ एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि रोड अभी जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो प्रोसेस में है, चल रहा है, और अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इस मुंबई एक्सप्रेसवे ने बनाया है। ये कॉन्ट्रैक्टर है पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, लगभग 10-11 किलोमीटर का जो है इन्होंने 10.5 किलोमीटर लेंथ उन्होंने लगभग 24 घंटे में उसको पूरा कर दिया है, कि वर्किंग जो उन्होंने स्टार्ट की थी वो 1 फरवरी मतलब 1 फरवरी 2021 को उन्होंने वर्क स्टार्ट किया था, और अगले दिन वो सुबह जो है उन्होंने ये काम जो है 8 बजे तक कंप्लीट कर दिया, मतलब सुबह से स्टार्ट किया नेक्स्ट डे 8 AM, तो 24 घंटे में इन्होंने 10.5 किलोमीटर बनाया, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है।